कब तक भर्ती चलते रहेगी, दो तीन दिन चलेगी और इनके पूरे हो जाएंगे वर्कर। तो आगे को दिखाता हूँ, फिलहाल पीछे जो कंपनी मिली नहीं मिली वहाँ कहीं भर्ती। जो ये भीड़ देख रहे हो आप, ये हरिद्वार छिटकुल का। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल कुलदीप यूकेनिक्स ब्लॉग में। और दोस्तों अभी मैं हूँ जो छिटकुल राजा बिस्किट को, और मैं जा रहा हूँ हरिद्वार छिटकुल के अंदर को, और मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो कंपनी, दिखाता हूँ कहाँ भर्ती चल रही है कहाँ नहीं चल रही है, मैं बताता हूँ आपको देख के जाके घूम के पूरा छिटकुल। और अभी आप देख रहे होंगे पीछे से मेरे गाड़ियाँ चल रही हैं, दो तीन लोग जा रहे हैं। अभी जो मेरा टाइम है जाने का वो ये वाला टाइम है कि अभी जो है कि सब कंपनी के अंदर चले जाएंगे और बेरोजगार लोग, लगभग बेरोजगार लोग दिखेंगे जो भर्ती ढूंढ रहे होंगे और भर्ती है नहीं है। चलो मैं बताता हूँ, वीडियो को बिना स्किप करवे देखिए, जिससे कि आपके मतलब कि कोई वीडियो छूट ना जाए और आपकी इन्फॉर्मेशन की कोई चीज़ छूट ना जाए, इसलिए बने रहिएगा वीडियो में पूरा अंत तक। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से सीधे छिटकुल। जो ये भीड़ देख रहे हो आप, ये हरिद्वार छिटकुल का लेबर चौक है, और मैं अभी जो हूँ लेबर चौक पे हूँ, और मैं अभी जा रहा हूँ आगे को दिखाता हूँ। अभी फिलहाल पीछे जो कंपनी मिली वहाँ कहीं भर्ती नहीं थी, तो अब मैं जाता हूँ डायरेक्ट दूसरी भर्ती में कंपनी की तरफ को, और देखता हूँ कि भर्ती वैकेंसी है नहीं है, बने रहिएगा वीडियो में पूरा अंत तक। तो चलो, किसी ने मुझे बताया कि एकम्स की तरफ भर्ती चल रही है, एकम्स प्योर एंड क्योर्स में जो वहाँ पर है पेट्रोल पंप पे, तो मैं वहीं को ही जा रहा हूँ सीधे डायरेक्ट। बताता हूँ मैं देख के आपको वहाँ पर भर्ती है नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कुछ कंपनियों में ऐसा कि कंटिन्यू वैकेंसी चलते रहती है, भर्ती चलते रहती है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। देखो खड़े तो हैं लोग, लेकिन भर्ती अभी नहीं चल रही है शायद, और जो भी देखो मनाही कर रहा है भर्ती के लिए। मैं जाता हूँ सीधे प्योर एंड क्योर सेंटर पर, जो एकम्स का सबसे बड़ा प्लांट है शायद, सबसे ज़्यादा भर्तियाँ रहती है वहाँ पर। तो चलो अब मैं पहुंच गया एकम्स कंपनी के पास, अभी मैं दिखाता हूं आपको भर्ती चल रही है, बताता हूं, बात करता हूं। देखो मतलब कि मैं बात करूंगा, ठेकेदार लोग बात नहीं करते हैं, बोलते हैं, मना करते हैं बात करने से। और ये एकम्स कंपनी का आगे से भर्ती चल रही है, अब देखो आज तो भर्ती है, कल को भी चलेगी, अब पता नहीं कब तक भर्ती चलते रहेगी, दो तीन दिन चलेगी और इनके पूरे हो जाएंगे वर्कर, तो ये इनकी वैकेंसी बंद हो जाएगी, ठीक है। और मैं कुछ नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, और वो लोग तुम्हें बता देंगे कहाँ भर्ती है कहाँ नहीं है, बाकी बने रहो। अरे यार घूमते मैं बहुत गया पैदल पैदल, मेरे पास गाड़ी नहीं है, आप सभी लोगों को पता है, और मैं घूमते हुए जा रहा हूँ पूरे छिटकुल में, लेकिन भर्ती का तो कहीं पता ही नहीं चल रहा है यार। जहाँ भी देखो लेडीज़ की भर्तियाँ ही हो रही हैं अधिकतर, और मैं कुछ नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि वो प्लेसमेंट वालों को अगर नंबर चाहिए तो प्लेसमेंट वालों का नंबर डाल दूंगा मैं, और उनके नाम डाल दूंगा। तो जो भी है यार उनको ना फालतू के फ़ोन मत करना, जिसको ज़रूरत है वही फ़ोन करना, और फालतू के फ़ोन मत करना। कुछ ठेकेदारों का मैं नंबर डाल रहा हूँ, उनसे आप पता कर लेना पूरे छिटकुल में, आपको वो भर्ती पे लगवा सकते हैं, जॉब पे डायरेक्ट उनसे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, ना ही मैं कोई वो हूँ, मैं भी एक जॉबर हूँ, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता हूँ छिटकुल की कंपनी की। और मैं अभी छिटकुल में ही हूँ, छिटकुल के बीचों बीच मैं अभी दूसरी तरफ जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर कहीं भर्ती मिलेगी तो, क्योंकि अभी जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ कहीं भर्ती नहीं है, तो इसलिए बने रहिएगा वीडियो में, मैं देखता हूँ आगे जाके। और जो मैंने नंबर डाले हुए हैं, जैसे कि भी आप उनसे प्लेसमेंट की बात कर सकते हो, मैं भी कुछ नंबर डाल रखे मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, देख लेना वहाँ पर, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और उनको ना जा वैसे फालतू फ़ोन मत करना यार प्लीज, सिर्फ ज़रूरत के लिए फ़ोन करना। तो चलो जैसे मैं बता रहा था आपको कि यार मैं पैदल चल रहा हूँ, तो भाई मिल गया एक बाइक वाला, तो इसने बोला कि यार जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैंने कहा मैं भी चलो आपके लिए और सभी लोगों के लिए मतलब कि जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो भाई ने बोला चलो साथ में चलते हैं, मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए जॉब भी ढूंढ लेते हैं, मेरा वीडियो भी बन जाएगा, मेरे को भी बनाना है, बहुत सारे लोगों की है, ये वही एक कंपनी है जहाँ पर भी भर्ती दिखाता मैं, तो अभी भर्ती चल रही है यहाँ पर, तो उसके बाद क्या पता कब वैकेंसी पूरी हो जाए, ख़त्म हो जाए, भर्ती पूरी बंद हो जाए। और कहते हैं जैसे कि वो मैं बता रहा था कि आपको प्रिया गोल्ड और मिल्टन और इधर दो तीन चार कंपनियों में भर्ती चल रही है, ज़्यादा कंपनियों में भर्ती नहीं चल रही है, और पब्लिक बहुत ज़्यादा है, और इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ आज जो आपके लिए ज़रूरी है, और आप क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं काफ़ी इसमें जो ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, मैं उनके लिए कुछ बातें बताऊंगा उनको, जैसे कि भाई कितने भी पढ़े लिखे हों भाई जॉब तो ठेकेदारी के बेस पे करनी पड़ेगी उसके बारे में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो आ जाए। और जैसे कि मैंने कुछ नंबर डाले हुए हैं, आप उनसे बात करते रहिए, और आपको जॉब यहाँ हीरो कंपनी में भी भर्ती नहीं चल रही है। और दोस्तों जो मैंने पूछ लिया सिक्योरिटी गार्ड से पता करा, तो वो बोल रहे हैं कि शायद इस महीने तो भर्ती मुश्किल ही है, और अगले महीने का शायद हो सकता है कुछ। और जैसे मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में कि मैंने नंबर डाल रखे हैं, मैंने कुछ नंबर डाले हैं डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उनको मतलब काम की बात कीजिएगा, फालतू डिस्टर्ब ना कीजिएगा। और जैसे कि मैं बता रहा था ना कि आप लोग पढ़े लिखे हुए कितने भी पढ़े लिखे हो, देखो दोस्तों पढ़े लिखे होने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि कंपनी काम मांगती है और टेक्निकल हैंडल होना ज़रूरी है।
अगर आपको फ्रेशर में किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ पर काम हेल्पर ही से करना पड़ेगा। अभी आप कितने भी पढ़े लिखे हो तो आपको जो जॉब मिलेगी वो मिलेगी हेल्पर ही बेस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही मिलेगी, क्योंकि छिटपुल में जो भर्तियाँ चलती हैं वो चलती है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही। यहाँ पर रुक जाते तो ना इधर ऐसी भर्तियाँ चलती हैं, और इसी तरीके से पढ़े लिखे होने से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि टेक्निकल हैंड मांगते हैं। और जैसे कि आपने कोई सी भी पढ़ाई करी है, लेकिन यह है कि आपको काम जो मिलेगा वो मिलेगा आपको हेल्परी बेस पर, रखा जाएगा हमेशा आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही। तो मेरे से जितना हो सका मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था और वीडियो में बोला है कि मैं जॉब करता हूँ, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ। तो मैंने इसी तरीके को अपनाते हुए अपना तो मैंने कुछ नंबरों के नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, प्यार से बात कर लीजिएगा, वो आपको सारा कुछ बता देंगे, समझा देंगे, जो भी प्रोग्रेस है अगर भर्ती होगी तो वो आपको ले लेंगे, भर्ती कर लेंगे, डायरेक्ट आप उनसे बात कर सकते हैं। और बेवजह परेशान नहीं कीजिएगा, बस अगर आपको ज़रूरत है तो ही कॉल कीजिएगा, क्योंकि सैलरी आपको ऐसे ही मिलेगी। एक बी मार्क कंपनी है, उसमें जो अभी भर्ती चल रही है उसमें भी 12 घंटे के 14,000 रुपये हैं, आप वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो ये जीनस और इंट्रो है, मैं इधर भी पता करता हूँ, इधर भी कोई भर्ती नहीं है, इधर मैंने पता करा तो कोई भर्ती नहीं थी। तो अभी हम आगे को चले जाएंगे, फिर मैं भी अपने रूम की तरफ को जाऊँगा, क्योंकि जब आधे से ज़्यादा शेड्यूल तो मैं घूम ही गया हूँ। हीरो में भी भर्ती नहीं चल रही, महिंद्रा में भी भर्ती नहीं चल रही है, और उधर को ये गोदरेज में भी भर्ती नहीं चल रही है। थोड़ा बड़ी कंपनियाँ यहाँ की जानी मानी, थोड़ा एकम से में चल रही है बस, और एकम से के दो प्लांट में चल रही है जो इधर दवा चौक की तरफ है और पेट्रोल पंप की तरफ है। और जो फार्मा कंपनी है वहाँ पर भी अगर आप बीएससी हो तो आपको क्वालिटी में काम मिल जाएगा, अगर आपने बीएससी फाइनल किया हुआ है पढ़े लिख के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जॉब। दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मैं पूरा शेड्यूल लगभग आधे से ज़्यादा शेड्यूल घूम लिया। एक दोस्त मिल गया था बाइक वाला, तो उसको बोला मैंने कह घुमा दे जरा, तो उसने मुझे घुमा दिया था बाइक से, और मैं पता करके आ गया। वैसे ज़्यादा वीडियो तो बनाई नहीं मैंने, लेकिन थोड़ा बहुत पता कर लिया था कहीं भर्ती जैसे चल रही है जो जो मैंने वो आपको कंपनियों के नाम बता दिए वीडियो में। और इसी तरीके से देखता हूँ मैं, अगर फिर कहीं भर्ती चलेगी तो आपको लिए जरूर वीडियो लेके आऊँगा मैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।